डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जब हम किसी की ओर ऐसे उंगली करते हैं तो इसका मतलब है हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि गुस्सा दिखा रहे हैं। जब इसी उंगली को अंगूठे के टॉप में लगा लेते हैं तो इस शांति का प्रतीक होती है, अर्थात हम शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। आज मैं आपको हस्त मुद्रा यानी कि मुद्रा विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ कि हम हाथों से अपनी मुद्राएं लगा करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और इन मुद्राओं को आप किसी भी समय जब खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, चलते फिरते जो है योगाभ्यास करते समय भी लगा सकते हैं। ये सारा ब्रह्मांड और हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। हमारे शरीर की पाँचों उंगलियाँ पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कनिष्ठा यानी कि लिटिल फिंगर, ये हमारा जल तत्व है। अनामिका यानी कि रिंग फिंगर, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर, ये आकाश तत्व है। जबकि हमारी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, ये है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। मैं पांच मुद्राएं बताने वाला हूं। सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इसमें क्या करना है, अंगूठे के साथ वाली उंगली तर्जनी उंगली को यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के टॉप में लगा लेना है। ऐसे शेष उंगलियां सीधी रहेंगी, ऐसे लगाएं, हल्का सा प्रेस करें आपस में अंगूठे उंगली को, और ऐसे हाथों को सीधा करके बैठ जाएं। ये ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा, जैसा इसके नाम से क्लियर है कि इससे हमारा ध्यान लग जाता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, इससे हमारा ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। बच्चे यदि इसको लगाते हैं उनका पढ़ाई में मन लगता है, इंटेलिजेंट बन जाते हैं। जिनके सिर में दर्द रहता है या फिर अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, और जिनको स्ट्रेस रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त ये क्रोध पर भी कंट्रोल करती है, अर्थात इससे हमारा गुस्सा कम हो जाता है। कितने लाभ, एक हमारी जो है ऐसी ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनाने से। दूसरी है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए इसी उंगली को पहले हमने टॉप पर लगा था, अब की बार अंगूठे के जड़ में यानी कि रूट में लगा लेंगे, मूल भाग में, और ऊपर से अंगूठा ऐसे रख लें, ऊपर से अंगूठे से दबा लें, शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। ये ध्यान से देखिए, ऐसे इसको लगा करके ऐसे बैठ जाएं। आप 5-7-10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। सभी मुद्राओं को मिला करके 45 मिनट से ज़्यादा न लगाएं, अपने रोगानुसार समय दें इनको। वायु मुद्रा लगाने से क्या होगा, शरीर में जो वायु विकार होते हैं, जिनको गैस बनती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द दूर हो जाते हैं, इससे गठिया बाव और लकवा ठीक हो जाता है, और अर्थराइटिस के रोग भी ठीक हो जाते हैं। तीसरा है हमारा, ये पहले हमने ये लगाया, अब की बार ये मध्यमा उंगली को मिडल फिंगर को अंगूठे के टॉप में लगा देंगे, ये हमारी आकाश मुद्रा बन जाती है। दोनों हाथों से लगाएं आकाश मुद्रा, फिर हाथों को ऊपर करके बैठ जाएं, हल्का सा प्रेस करें, हल्का सा दबाएं ऐसे। आकाश मुद्रा के क्या लाभ होंगे, जिनके कान बहते हैं, कान में दर्द रहता है, बहरापन है, कम सुनाई देता है, वो ठीक हो जाता है। हड्डियों के रोग ठीक हो जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर हैं, उनको ताकत मिलती है, और हृदय स्वस्थ रहता है। गले संबंधी रोग, थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसको आप ऐसा लगाएंगे तो आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हमारी जो है चौथी जो मुद्रा है वो है ऐसे पृथ्वी मुद्रा। ये मैंने बताया कि जो हमारी रिंग फिंगर है इसको अंगूठे के टॉप में लगा लें, दोनों हाथों से ऐसे टॉप में लगाएं, हल्का सा प्रेस करें, से उंगलियां सीधी रहेगी, हाथों को ऊपर कर। पृथ्वी मुद्रा के लगाने से क्या होगा, हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब हमें खाया पिया अच्छी तरह से लगेगा तो हम हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये वजन पर कंट्रोल करती है, जिनका वजन ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, और जिनका कम है वो आइडल हो जाएगा। इससे हमारी विटामिन्स की कमी दूर हो जाती है, शरीर के अंदर जो विटामिन्स की कमी है दूर हो जाएंगी, और चेहरे पर चमक आती है, निखार आता है, जो भी खाया पिया होगा आपको अच्छी तरह से लगेगा। तो ये मुद्रा लगाने से ऐसा लाभ मिलता है। और पांचवी मुद्रा हमारी है ये वरुण मुद्रा, जिसे हम जल तत्व बोलते हैं। इसको जो है अंगूठे के साथ लगा लिया, शेष उंगलियां सीधी रहेंगी,
वरुण मुद्रा से क्या होगा, जो जल तत्व की कमी से रोग होते हैं वो दूर हो जाएंगे। जैसे शरीर में जो रूखापन है वो दूर हो जाएगा, त्वचा पर विशेषकर चेहरे पर जो चमक आती है और चेहरे पर नूर आता है, एक अलग से ही ग्लो दिखाई देगा। और क्या होगा, इससे जिनको चर्म रोग हो जाते हैं, क्योंकि इससे रक्त विकार दूर हो जाएंगे, जब रक्त विकार दूर हो जाएंगे तो चर्म रोग है, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखें, जिनको कफ कारक रोग हैं या कफ संबंधी शरीर है, जैसे साइनस है, नज़ला है, वो इसको न लगाएं। और आकाश मुद्रा जो मैंने बताई थी, ये 3 नंबर वाली अंगूठे के जो बड़ी उंगली है, जो भोजन करते समय जो है इसको न लगाएं, बाकी किसी भी समय आप जो है लगा सकते हैं। आज मैंने जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मुद्राएं बताई हैं, आप किसी भी समय खाली बैठ के इनसे लाभ ले सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कोई आपको विशेष समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे एक नम्र निवेदन है, आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।